हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। शिल्पी स्टिच बुटीक में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज ये हम इसकी कटिंग करना सीखेंगे। और ये देखिए, बेल्ट वाला ब्लाउज है जिसके फ्रंट में ये बेल्ट मैंने बनाई हुई है। अब इसको इस साइड इस तरह से मोड़ेंगे और इसका ये जो बफ है, ये देखिए प्लेट कितनी अच्छी इसकी पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, जो चोली कट वाला होता है सिर्फ बिल्कुल उसी टाइप का ये ब्लाउज है। तो आज हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, बेल्ट लगाना सीखेंगे। इसकी बेल्ट कैसे लगाई जाती है तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से, कितनी फिनिशिंग के साथ बनी हुई है ये। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ऑल पे करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आइए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं ये बेल्ट वाले ब्लाउज़ की। आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, बेल्ट वाला ब्लाउज़ जो होता है, बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाएंगे, उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है, अस्तर का कपड़ा है, और ये हमारा ब्लाउज़ का कपड़ा है। तो हम पहले 1 मीटर है वो, और 1 मीटर अस्तर का कपड़ा है, तो हम पहले फ्रंट पार्ट काट लेंगे इसका। तो सबसे पहले हमारी बाजू की जो फिटिंग है वो 38 और जो उसकी लंबाई है वो 14 इंच है। तो सबसे पहले हम फ्रंट का काटेंगे। ये मैंने डबल फोल्ड करके अस्तर रखा हुआ है इस तरह। तो इसकी जो फोल्ड साइड ये है और जो खुली हुई साइड ये है। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारी लंबाई है 14 इंच, देख सकते हैं 14 इंच हमारी इसकी लंबाई है। और 1 इंच हम मार्जिन लेंगे सिलाई का और 2 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे इसको। इस तरह से हम काटेंगे इसको। सबसे पहले हम इसको यहाँ से 5 इंच लेंगे, इधर से हम 6 इंच लेंगे। 6 इंच इधर से लिया है और जो हमारी फिटिंग है हमारी 9 इंच है। 9 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे और 2.5 इंच हम यहाँ से मार्जिन का ले रहे हैं। इसको हम सीधा मार्क कर लेंगे और यहाँ से इसको गोलाई दे दें। तो आप इसको नाप कर भी गोलाई दे सकते हैं, 1.5 इंच 2.5 इंच। यहाँ से 3.5 इंच पे नापेंगे, ऊपर से 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको सीधा कर देंगे। इस तरह से अब हम सारे निशान लगा लेंगे यहाँ 1.5 इंच पर। ये सारे हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब हमारी जो लंबाई है 14.5 पे लगाएंगे निशान। ये हमारी लंबाई का निशान है 14.5 पे, तो इससे हम 2.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ से 2 इंच पे इसको इस तरह से काट देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया है। पहले हम बैक पार्ट काटेंगे, उसके बाद हम इसकी ये बेल्ट अलग करेंगे। इसको हम इस तरह से रख लेंगे, इसको 8.5 इंच से कम काटते हैं। इसको हम यहाँ तक निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट गया है। अब हम इसकी बेल्ट काट के अलग करेंगे। तो हमने इसको ये एक्स्ट्रा जो लिया है, क्योंकि यहाँ सिलाई में जाएगा फिर ये इतना कम हो जाएगा, और इसको हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। इसको हल्की सी गोलाई देकर कट कर देंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसके ऊपर रख के हम ये सारे पार्ट काट लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे कटिंग करके। इसको भी इस तरह से कट करके हम निकाल लेंगे, इस तरह से इसको रख के। ये हमने कट कर लिया है, इसमें स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। ये हमारी कटिंग हो गई है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, जो बेल्ट वाला ब्लाउज है। अभी हम इसकी बेल्ट लगाना सीखेंगे, किस तरह से लगाते हैं। तो ये मैंने पहले इन पार्ट को जोड़ेंगे हम, उसके बाद बेल्ट लगाएंगे। तो पहले हम अस्तर को जॉइंट कर लेंगे ऐसे करके।
ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है इसको निकाल देंगे कट करके, और हम इसकी प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली लेंगे जो कि एक इंच की है, आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से लिया है हमने। सबसे बड़ी वाली प्लेट यही होती है, इसमें इस तरह से पकड़ेंगे इसको। ये प्लेट पड़ गई है हमारी इस तरह से। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट है जो हमने नीचे से काटा था अस्तर के साथ में। अब हम इसको इस तरह से, और इसको इस तरह से मोड़ देंगे ऊपर की साइड। इसको यहाँ ऊपर ऐसे तिरछा करके मोड़ देंगे और फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और इसको नीचे से तिरछा मोड़ के दबा देंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरह से मोड़ देंगे, इसको इसके साथ में नहीं सिलना है, इसको इस तरह से मोड़ कर इस तरह से फिर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इसको खुला रखते हैं। तो अब हम इसकी ऊपर से सिलाई लगाएंगे इस जगह से। एक हमारी बेल्ट लग गई है, अब हम इसी तरह दूसरे वाले पार्ट में लगा लेंगे इस तरह से। तो बेल्ट हमारी लग गई है इस तरह से। अब हम यहाँ पर पट्टी लगा देंगे इसमें।